नमस्कार। आज जिस प्रकार बंगाल के पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या टीएमसी के गुंडों ने की है, उस पर चनरचूड साहब क्या कर रहे हैं? कौन सी दुनिया में बसे हैं? क्या उनको नहीं लगता है कि ऐसा जो किया जा रहा है वह घृणित है? अभी तक जो सूचना आ रही है, लगभग 15 लोगों की हत्या कर दी गई है। जो बंगाल सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, माँ काली की धरती है, उस धरती पे इस तरह के अत्याचार टीएमसी के गुंडों द्वारा किए जा रहे हैं, वो भी ममता बनर्जी के सह पर, यह विचलित करने वाला है। जो वहाँ पे घटनाएं घटित हैं, आप ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। आइए देखिए। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी, उनका क्या कहना है एक समाचार चैनल पर, उसको भी आप देखिए। और हम अपील करते हैं कि वहाँ पर 355 या 356 आर्टिकल को लगाकर तत्काल ही ममता बनर्जी के कुशासन को ध्वस्त करने का काम किया जाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा यानी कि लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत, लोगों के साथ मारपीट, गोलीबारी, बम धमाके, आगजनी, ये आम बात हो जाती है और एक बार नहीं अनेक उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार में पुलिस प्रशासन के चलते लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, मतपेटियां लूटी जाती हैं और लोकतंत्र को कुचला जाता है और लोकतंत्र की हत्या होती है। 130 কোচবিহার জেলা ফুলিমারি ফুলিমারি গ্রামে 438 নম্বর বুথের বিজেপির এক পুলিং এজেন্টকে টিএমসি দুষ্কৃতীরা হত্যা করে ফেলল। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভোট
हाँ हाँ स्टील बेरेज भाषण में कुछ नहीं होगा। ऑनरेबल गवर्नर पहले राजीव सिन्हा को अपॉइंटमेंट करके बहुत बढ़िया गलती किया, एक नंबर। दूसरा नंबर उसका बाद ही ट्राइंग इज बेस्ट टू सेव लाइफ एंड रिस्टोर पीस इन वेस्ट बंगाल। फाइनली उनका इतना भाषण अपील सबका बाद भी जो हादसा आज हो गया है, नाउ इट इज 3 PM ऑलरेडी मोर देन 15 पीपल डाइड ब्रूटली किल्ड बाय द गुंस, मोर देन 20,000 बूथ कैप्चर्ड बाय द टीएमसी हुलिगन इन प्रेजेंस ऑफ स्टेट पुलिस। CAPF इज टोटली नॉन फंक्शनिंग ड्यू टू नॉन कॉपरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। इसका बात तो भाषण देने का जरूरत नहीं है, इसका बात गवर्नर जी का भाषण देने का जरूरत नहीं है। He should send a report to the central. The West Bengal is burning. Central should intervene. Either 355 or 356. We want action. The Bengal people want action from the custodian of the constitution. मुंह तोड़ जवाब चल रहा है। 7-8 बूथ में रिगिंग किया था, उसका बाद रिटेलिट स्टार्ट किया जनता ने। मेरा क्षेत्र में मैं हूं या वोट डाला, बाकी हूं 5 बजे तक, चोरी में रोक दिया। बहुत बूथ में री पोलिंग होगा, अब तक जो जानकारी मुझे मेरे पास है 100 बूथ उसमें रिपोलिंग करना पड़ेगा। पब्लिक रेजिस्टेंस जहां हुआ है और भी होगा अगले 2 घंटा, जहां जहां रिक किया है लोग बूथ कैप्चर किया वहां बाहर का गुंडा लोग भाग जाने का बाद गांव का आदमी आ रहा है और बैलेट बॉक्स को पानी से फेंकना का काम स्टार्ट किया। छोड़ने वाला हम लोग नहीं है, ये बंगाल स्वतंत्रता सेनानी का माटी है, इस माटी में ये सब नहीं चलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।